नमः शिवाय। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आजीविका, नौकरी में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कितने सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, कब सफलता मिल सकती है, घर बार इत्यादि और समाज के दायरे को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले मोटे तौर पर वर्ष पर्यंत कर्क राशि का राशिफल सारांश रूप में बताते हैं, फिर उसे विस्तार पूर्वक प्रत्येक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला होगा उसका भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भविष्य में अच्छी सफलता प्राप्त करने के अनेक अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यधिक अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में सुख सुविधाओं का लाभ बना रहेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को भविष्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे, मगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला लगा रहेगा। विरोधी पक्ष से व्यर्थ वाद विवाद की संभावना बनती है। अनावश्यक भाग दौड़ और खर्च की स्थितियों से बचना चाहिए। धैर्य और संयम रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। पारिवारिक उन्नति के संबंध में व्यस्तता बनी रहेगी और मित्रों से सगे संबंधियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपेक्षित है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कैसी रहेगी आजीविका और कब क्या क्या हो सकता है। कर्क राशि के जातक पिछले वर्ष 2018 के उत्तरार्ध से ही अतिरिक्त कार्य ऊर्जा से लवरेज हैं। अपनी कार्य क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है यह वर्ष 2018 अच्छी तरह से सिखा चुका है। आपकी राशि पर राहु का गोचर बना हुआ है। प्रतिनिधित्व करने की क्षमता एक काम के साथ ही साथ समानांतर से दूसरे कामों को नियंत्रित करने की कला आपके अनुभव क्षेत्र में शामिल हो चुका है और यह स्थिति मार्च तक आपके साथ बनी रहेगी। राहु का शुभत्व तो आपको कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत कुछ हासिल कराता आया है और आगे भी कराएगा। धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार इत्यादि का लाभ अभी और आगे मार्च तक मिलता रहेगा, मगर मार्च के अंत से अधिक जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ राहत मिलेगी। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। मई तक की स्थिति अत्यंत लाभ दिलाने वाली होगी। इस दौरान सरकारी सहयोग कायम रहेगा। सरकारी अनुबंध अत्यधिक लाभदायक रहेंगे और रुके हुए सरकारी कामकाज भी संपन्न होंगे। महिला वर्ग से भी इस दौरान लाभ का संकेत मिलता है। मई के शुरुआत से जून के अंत तक की स्थिति का भी भाग दौड़, अनावश्यक यात्रा, कार्य क्षेत्र से संबंधित वाद विवाद, मुकदमेबाजी, अनावश्यक खर्च और अनावश्यक मानसिक दबाव वाला हो सकता है। इस दौरान धैर्य और संयम रखते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। दोषारोपण की संभावना और कार्यों में अप्रत्याशित बाधाएं भी आ सकती हैं। यदि आप सूझबूझ से काम करते रहे तो उचित मार्गदर्शन भी मिलता जाएगा और सारी समस्याओं का हल निकालने में सफल रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम होगा। रुके हुए पैसे मिलते जाएंगे। बंधु बांधवों से भी अधिक लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सम्मानित किए जाएंगे। इस दौरान आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सामने वाले की भावनाओं की कद्र करते हुए यदि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा ले गए तो आर्थिक रूप से पूर्ण सफल माने जाएंगे। इस वर्ष आपको जमीन, वाहन इत्यादि का योग भी बनता दिख रहा है। मानसिक रूप से तैयार रहें, परिस्थितियाँ अनुकूल होते ही इसका लाभ ले सकते हैं। मार्च के बाद से ही राहु आपके 12वें भाव में चलते रहेंगे, जिस पर गुरु की दृष्टि बनी रहेगी। इसलिए अत्यधिक विश्वास किसी के ऊपर करते हुए आर्थिक निवेश करने से बचना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन समय के साथ उतार चढ़ाव भी हो सकता है। स्त्री वर्ग के सहयोग से विशेष कार्य पूर्ण होने की संभावना भी बनती है। घर गृहस्थी के कार्यों पर व्यय होने का प्रबल योग है। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं, मगर इस तिमाही के मध्य में विवाहित जीवन के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय की अनुकूलता बनी रहेगी, मगर आलस्य की अधिकता से कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं।
मन में नकारात्मक भाव ना लाएं और साथ ही साथ वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं पर अमल करना आवश्यक होगा। मित्रों से मधुर संबंध बनाकर रखें और सकारात्मक तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष? विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यधिक अच्छा माना जाएगा। पढ़ाई में पूरे वर्ष मन लगेगा। हालांकि पढ़ाई का जुनून पिछले वर्ष के उत्तरार्ध से ही बना हुआ है। अध्यापकों की नज़र में आप कुशाग्र बुद्धि और होनहार बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूर्ण सफलता का संकेत मिलता है। जो कमी 2018 में किसी कारणवश बनी रह गई थी शिक्षा के प्रति, उसके सपने इस वर्ष पूरे होंगे। पूरी तन्मयता के साथ अपने उद्देश्य के लिए लगे रहें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मई जून का समय परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाला होगा। इसके बाद के समय में मन शिक्षा कार्यों में पूरी तरह से नहीं लग पाएगा। अन्य विषयों में ध्यान होने के कारण असफलता की स्थिति आ सकती है, मगर अगस्त से पुनः स्थितियों में बदलाव होगा और बौद्धिक रूप से परिपक्वता विकसित होगी। रोजगार संबंधी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, मगर भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी। वर्ष के अंतिम तीन महीनों में पढ़ाई में अवरोध आने का संकेत मिलता है, मगर यदि आप आत्मविश्वास के साथ लगे रहें तो पूर्ण सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और भविष्य में कोई बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहा तो पढ़ाई के प्रति तन्मयता में कमी आएगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य? क्या सावधानी रखनी चाहिए? कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले वर्ष के उत्तरार्ध से ही राहु आपकी राशि पर और केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मार्च तक यथा स्थिति बनी रहेगी, जिससे पाचन प्रणाली की समस्याओं का पैदा होना, पेट के निचले हिस्से में जटिलताओं का बढ़ना, हड्डी संबंधी समस्याओं का होना और याददाश्त प्रभावित होना संभावित है। अपने खान पान को सादा और संतुलित रखें। अधिक तेल मसाला और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। यह आपकी लीवर की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके पाचन प्रणाली पर भी पड़ रही है। हालांकि मार्च के बाद राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बावजूद भी आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्च के बाद शनि और केतु की युति आपके छठे भाव रोग भाव में कायम हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का अंदेशा बना रहेगा। हड्डी और नसों से संबंधित समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है, अतः हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, स्वस्थ महसूस करेंगे। अनावश्यक चिंता और परिवार में भाई बहनों से जुड़े विषय पर भी तनाव की स्थिति आ सकती है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार को लेकर भी मानसिक दबाव बना रह सकता है और रात की नींद में कमी आ सकती है, इसलिए समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें ताकि कोई गंभीर समस्या ना पैदा होने पाए। पुत्र स्त्री मधुर संबंध और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? भावी संतान की कामना करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। आपके उद्देश्यों में सकारात्मक रूप से निश्चित सफलता मिलेगी। पूरे वर्ष यह स्थिति बनी रहेगी, जिसका पूरा प्रभाव 4 नवंबर तक कायम रहेगा। जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, ऐसे जातकों की मार्च तक की स्थिति थोड़ी उतार चढ़ाव वाली बनी रह सकती है, मगर मार्च के बाद से विवाह संबंधी अनुकूलता बनने लगेगी। यदि आपकी दशा अनुकूल रही तो मार्च के बाद विदेश यात्रा का योग भी बनता है। बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मित्र या सहयोगियों से भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। जिन जातकों के आपसी संबंधों में विवाद या संबंधों में कटुता आ गई है, उनके मधुर संबंधों के मामलों में 16 अप्रैल के बाद का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान भावनात्मक तालमेल और प्रगाढ़ होंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी। जो रिश्ते खराब या विवादित हो चुके हैं, वह भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। हालांकि यह स्थिति पिछले वर्ष के उत्तरार्ध से ही कायम है। समय समय पर डॉक्टर की सलाह और उचित चिकित्सकीय निर्देश का पालन करते रहना चाहिए।
इस दौरान विशेष उपलब्धि वाला समय 6 फरवरी से 22 मार्च तक, 14 अप्रैल से 15 मई तक और 17 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का रहेगा। इस दौरान विशेष सावधानी मई से जून तक रखनी चाहिए। वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि हो सकती है। बाहर की यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं, सावधानी अपेक्षित है। साथ ही साथ अक्टूबर से वर्ष के अंत तक भी सावधानी स्वास्थ्य संबंधी होनी चाहिए, मगर इस दौरान विशेष उपलब्धि कम मिलेगी, मगर प्रतियोगी भावना विकसित होगी और हर क्षेत्र में सफल रहेंगे। क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हो, स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, काम में बाधाओं में कमी हो और हर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते जाएं? सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि आपके घर या ऑफिस में पानी का नल ढीला ना हो, जिससे पानी की बूंद बूंद करके टपक टपक करके बर्बाद ना हो। यदि ऐसी स्थिति है तो उसको तत्काल ठीक करावें, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं और जल तत्व की बर्बादी या दुरुपयोग आपके लिए ऋणात्मक प्रभाव में माना जाएगा। साथ ही अपने सहोदरों और बंधु बांधवों से सम्मानपूर्ण तरीके से पेश आएं, जिससे मंगल की स्थिति मजबूत होगी, क्रियाशीलता और आजीविका में मदद मिलेगी। साथ ही गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी यथासंभव सेवा करें, रुके हुए काम संपन्न होंगे और विघ्न बाधाओं में कमी आएगी। दैनिक जीवन में भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करें। केले के पौधे में जल डालें और आटे में चीनी मिलाकर सूक्ष्म जीवों के लिए दीवार के किनारे या पेड़ के नीचे रोज छिड़क दिया करें। वर्ष पर्यंत आरोग्यता बनी रहेगी और आप हर लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करेंगे।